नमस्कार। गुजरात से एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये कि वहां ओएनजीसी के एक डिपो में अचानक ब्लास्ट के साथ आग लग गई थी और इसकी जो लपटें थी, आग की जो लपटें थी वो आसमान में 3 से 4 किलोमीटर ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। यही नहीं बल्कि दर्जनों किलोमीटर दूर खड़े जो लोग थे वो डिपो में ब्लास्ट की आवाज से दहल उठे। बेरूत जैसा इसे धमाका बताया जा रहा है। हालांकि इस पर ओएनजीसी की सफाई भी आ गई है। ओएनजीसी ने क्या कहा है मैं आपको वो बताएं, उससे पहले आप पूरा वीडियो देखिए और एक एक फ्रेम को देखिए कैसे इस धमाके से पूरा आसमान आग के रंग में रंग चुका था, किस तरह आग की लपटे आसमान में दिखाई दे रही थी, धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैल चुका था। तो आग की लपटों को देखकर कुछ पल के लिए लोग दहशत में आ गए और आप देखिए किस तरह से दूर खड़े लोग भी आग की इन लपटों को देखकर सहम उठे थे। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। अब आपको बताते हैं कि ओएनजीसी ने इस वीडियो पर क्या कहा है। ओएनजीसी की तरफ से सफाई आई है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि इस धमाके को, इन तस्वीरों को बेरूत जैसा धमाका बताया जा रहा था, ठीक वैसा जैसे हमने कुछ महीने पहले देखा था बेरूत में धमाके में कई लोग, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और तब उसी तरह की आवाज कल लोगों ने महसूस की, सूरत के लोगों ने महसूस की। मैं आपको वो जगह बता देता हूँ, ये ओएनजीसी का हजारिया प्लांट है जहां पर ये धमाका हुआ है। सूरत में है हजारिया प्लांट और जिस वक्त धमाका हुआ आसपास कोई मौजूद नहीं था। ये राहत की बात है, गनीमत है कि कोई भी मौजूद नहीं था, इसी वजह से इस धमाके में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है।